हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय फिजिकल एजुकेशन क्लास। आज के इस वीडियो में हम फुटबॉल के बारे में बताने जा रहे हैं कि फुटबॉल के अंदर आप किस तरह खेलते हैं और उसका जो ग्राउंड का मेजरमेंट है वो किस तरह का होता है। फुटबॉल से रिलेटेड जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर। इन केस अगर ये वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो इसके मैं पार्ट बाय पार्ट डालता जाऊंगा वीडियो में, जिससे कि आप फुटबॉल की डिटेल जो है बहुत ही बारीकी तरीके से जान सकते हैं। तो जिसको हम डीप तरीके से बताएंगे तो आप इसको देखकर अपने गेम को और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम फुटबॉल के बारे में बताएंगे कि पहले जो उसकी जो बेसिक डिटेल है, पहले आपको हम वो बताएंगे कि कितने प्लेयर होते हैं, क्या उसकी टाइमिंग होती है, क्या उस ग्राउंड का मेजरमेंट होता है। तो ये बेसिक स्टेप से पहले बढ़ेंगे, फिर बेसिक स्टेप से फिर हम बताएंगे ग्राउंड का मेजरमेंट क्या होता है, किस तरह खेला जाता है और उससे रिलेटेड जितने भी आपके फंडामेंटल स्किल्स है, फिर उसको आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि फुटबॉल को हम सॉकर के नाम से भी जानते हैं, फुटबॉल का जो वर्ड यूज होता है वो इंग्लैंड में यूज होता है, क्योंकि काफी टाइम जब ये गेम की स्टार्टिंग हुई थी तो सबसे पहले इजिप्ट से इसकी शुरुआत हुई थी। तो फिर अडॉप्ट जो है इसने चाइना ने इसको अडॉप्ट किया था। तो अडॉप्ट करने के बाद फिर ये इंग्लैंड के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, फिर उन्होंने कुछ थोड़ा डेवलप किया। तो सॉकर को हम बेसिकली चाइना में सॉकर के नाम से जानते हैं और इंग्लैंड के लोग जो हैं इसको फुटबॉल के नाम से जानते हैं। ओवरऑल अब प्रेजेंट टाइम में फुटबॉल को फुटबॉल के नाम से ही जाना जाता है और सॉकर को चाइना में लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। चलिए देखते हैं कि फुटबॉल की जो टीम होती है वो कितने प्लेयर की होती है। फुटबॉल में अगर टीम की अगर बात की जाए, प्रेजेंट टाइम में 18 प्लेयर की टीम बनती है और जिसमें कि प्लेइंग प्लेयर जो हमारे होते हैं वो 11 प्लेयर होते हैं और जो इसकी टाइम होता है 45 मिनट। फाइव मिनट का रेस्ट, देन 45 मिनट का, दो हाफ में ये कंप्लीट होता है। 45 मिनट में ये कंप्लीट होता है। टोटल तो हम कह सकते हैं टोटल ये गेम जो है 90 मिनट का होता है, बट इसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है रेस्ट के लिए, तो ये आपका 95 मिनट का हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फुटबॉल का जो ड्यूरेशन टाइम है वो कितना होता है तो आप 90 मिनट ही बोलेंगे। और 18 प्लेयर की हमारी टीम होती है, 11 प्लेयर हमारे इसमें प्लेइंग करते हैं और बाकी जो बचे हमारे 7 प्लेयर वो हमारे सब्स्टिट्यूट के तौर पर काम आते हैं, जिसमें कि हमारे 3 से 5 प्लेयर जो हैं वो चेंज होते हैं एज अ मैच के ड्यूरेशन में। बट वो कहीं कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किए जाते हैं कि आप 3 ही चेंज कर सकते हैं, और यदि कि टूर्नामेंट हो रहा है या फिर कहीं कुछ मैच चल रहा है तो जिसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो उसमें एक रूल्स में थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते हैं कि इसमें आप 5 भी चेंज कर सकते हैं। तो मोस्टली जो होते हैं 3 ही एक मैच में चेंज हो सकते हैं। तो और देखते हैं इसके बारे में और इसके अंदर क्या क्या होता है। तो ये तो हमारी हो गई एक फुटबॉल की टीम के बारे में। तो टीम में हमारे 18 प्लेयर होते हैं, 11 की हमारी टीम होती है, 7 प्लेयर जो हमारे सब्स्टिट्यूट के तौर पर रहते हैं, जिनमें कि एक मैच 3 से 5 प्लेयर जो हम चेंज कर सकते हैं। इस गेम का जो ड्यूरेशन होता है 90 मिनट का होता है, जिसमें 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। तो एक जो बॉल हम यूज़ करते हैं वो हमारी सिंथेटिक रबर की होती है, जिसका वेट जो है 420 ग्राम से 480 ग्राम के बीच में रहता है, क्योंकि हर एक गेम में जो इक्विपमेंट यूज किए गए उसका एक पर्टिकुलर वेट जो है उसमें दिया गया है कि आप उससे कम या फिर उससे आप ज्यादा का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रिकॉशंस लिया जाता है गेम को खेलने वाले प्लेयर्स के लिए, क्योंकि हमें उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखना होता है कि ऐसा ना हो कि आप कोई ओवरवेट चीज़ से खेलें थे जिससे आपको इंजरी भी हो सके।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक हमारी एक फेडरेशन होती है, फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमारे जो फेडरेशन की, जो फुटबॉल की जो फेडरेशन है, वो जो संस्था है, वो सारे ये रूल्स रेगुलेशन जो है बनाती है, तो जिससे कि जो खेलने वाले प्लेयर हैं उनको किसी भी तरह की कोई इंजरी ना हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका जो ग्राउंड का मेजरमेंट है वो कैसा होता है और उसको कैसे प्लेयर जो है प्ले करते हैं। फुटबॉल का ग्राउंड जो है रेक्टेंगुलर होता है। तो स्टूडेंट, जो फुटबॉल का ग्राउंड है वो कुछ इस तरह होता है। ये जो बीच में मिड लाइन गई है इसको बोलती है सेंट्रल लाइन, जिसमें कि ये हाफ लाइन में डिवाइड कर जाता है कि हाफ कोर्ट, एक एक टीम टीम इस तरफ होती है और एक टीम बी जो है वो इस साइड होती है। जो ग्राउंड का ओवरऑल जो मेजरमेंट है वो आपका 90 मीटर टू 120 मीटर की इसकी विड्थ होती है। ग्राउंड का मेजरमेंट जूनियर, सीनियर और सब जूनियर के हिसाब से फिलहाल बनाया जाता है। तो जूनियर और सब जूनियर का ग्राउंड जो है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट सीनियर में आके थोड़ा सा ग्राउंड जो ब्रॉड हो जाता है। तो जितना भी आप डिटेल हम बता रहे हैं वो आपको हम सीनियर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो जैसा कि 90 टू 120 मीटर की आपकी जो वेथ होती है और इसकी हाइट जो होती है 80 टू 100 मीटर की इसकी हाइट होती है। तो स्टैंड जो हमारा स्मॉल डी होता है, इसका आपका जो मेजर 6 यार्ड अप्रॉक्स जो है 5 मीटर होता है। और आपका ये जो बिग डी है एक पास अप्रॉक्स 18 यार्ड्स, मतलब 17 मीटर के अप्रॉक्स होता है। और इसकी जो हाइट होती है वो 44 यार्ड की होती है। और आपको ये जो सेंटर लाइन है इसका जो मेजरमेंट है वो आपका 10 यार्ड है। ध्यान रखिएगा कि यार्ड में जो कन्वर्सेशन जो है अगर मीटर में करेंगे तो आप उसमें एक कम कर देंगे। तो जैसे कि 10 यार्ड दिया हुआ है तो इसका जो मेजरमेंट है वो 9 मीटर का हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं मेजरमेंट में कहीं फीट में दिया होता है और कहीं मीटर में दिया होता है और कहीं पर यार्ड में दिया जाता है। अगर यार्ड में अगर दिया हुआ है आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसमें एक कम कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे कि पता है 1 मीटर में 3.2 फीट के आसपास की उसकी हाइट होती है, तो आप उससे उसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि जो पेनल्टी हमारी ली जाती है वो इस पॉइंट से अगर लेते हैं, बोथ साइड होता है ध्यान रखिएगा, जो हम पेनल्टी लेते हैं वो हमारी 12 यार्ड की होती है। और पेनल्टी लेने के बाद, लेने से जो प्लेयर पेनल्टी ले रहा होता है उससे जो उसके अपोनेंट प्लेयर होते हैं वो कम से कम 10 यार्ड की दूरी पर, 10 यार्ड की दूरी पर रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं है कि रूल्स ये जो है दोनों ही तरफ अप्लाई होते हैं, तो बट थोड़ा सा कुछ मैसी ना हो जाए तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसको शो कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि और इसमें क्या क्या होता है। और आपकी ये साइड पर ये कॉर्नर बोलते हैं जिसको, जहाँ आपके फ्लैग लगे होते हैं, दिस साइड और दिस साइड फ्लैग लगे होते हैं। जो इसकी अप्रोक्स जो हाइट होती है वो 3 यार्ड की होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसमें और इसको थोड़ा डीप बताते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो फुटबॉल का जो ग्राउंड है उसको दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसा कि हम बोलते हैं टीम ए और टीम बी। जो ग्राउंड का जो मेजरमेंट है, चलिए फिर से बता देते हैं, जो ग्राउंड का हमारा मेजरमेंट है वो 24 बाई 8 फीट का हाइट जो होती है। तो अप्रॉक्स हम ये क्या तो हम कह सकते हैं कि 8 फीट की जो हमारी उसकी हाइट होती है और 24 फीट की उसकी चौड़ाई होती है। और हमारी स्मॉल डी जो स्मॉल डिफेंस एरिया होता है वो हमारा 6 यार्ड का होता है, 5 मीटर में बोल सकते हैं हम उसको। और हमारी जो बड़ी डिफेंस बिग डिफेंस एरिया है जो हमारी, जिसको हम बोलते हैं बिग डी, वो हमारी 18 मीटर्स की आपकी जो हाइट होती है और 44 मीटर यार्ड की आपकी चौड़ाई होती है। और हमारा जो सेंटर लाइन होता है वो हमारा 10 यार्ड का होता है। और हमारे जो पेनल्टी एरिया जो ली जाती है वो हमारे 12 यार्ड की होती है।
और हमारे पेनल्टी एरिया से जो हमारे अपोनेंट खड़े होते हैं वो 10 यार्ड की दूरी पर खड़े होते हैं। फ्लैग का जो हमारा जो कॉर्नर होता है वो हमारा 3 यार्ड का होता है, वो चारों चारों कॉर्नर में लगे होते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ रहा हमारा फुटबॉल का ग्राउंड का मेजरमेंट। तो जैसे कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है तो उसको हम आने वाले पार्ट में बताएंगे, थोड़ा सा उसको और डिस्क्राइब करेंगे। तो आप ग्राउंड का मेजरमेंट को मेमोराइज कर लीजिए कि आपका कैसा होता है और उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और उसमें कैसे वर्किंग होती है। तो हम आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसके अंदर प्लेयर जो हैं वो कौन कौन से एरिया में खेलते हैं और किस किस पोजीशन से खेलते हैं और उसको गेम कैसे स्टार्ट किया जाता है और कैसे जब कोई पेनल्टी देता है या फिर फाउल करता है और अपोनेंट जो अपर टैकल कर